हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का टोपस टाइम चैनल में। हमने जो एनसीईआरटी का 9th क्लास का मैथ शुरू किया था, उसमें फर्स्ट चैप्टर किया था हमने नंबर सिस्टम। उसी के की एक्सरसाइज 1.6 है और ये लास्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम के। इसके बाद नंबर सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो पोलिनोमियल होगा। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको याद है कि निम्नलिखित का सरलीकरण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसको देखने से पहले कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ रूल्स दे रखे हैं कि ए एम डॉट ए एन है तो क्या होगा। इसमें देखिए ए एम और ए एन है, ये है। इसमें ये वाला जो चीज़ है, ये जो है तीनों दोनों में बेस है। जब बेस सेम होता है तो ये पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। अब इनका बेस सेम है, ए है, तो इनकी पावर्स जो होती है वो ऐड होगी, एम प्लस एन हो जाती है। ये तो तब होगा जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। फिर जैसे ये डिवाइड में है, डिवाइड में हो मतलब भाग में हो, तो पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी, कि ए की पावर जो एम था वो माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इन्होंने क्या रखा है, ए एम, एम जो है ब्रैकेट के अंदर और एन बाहर है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एम एन, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम अगले में देखिए, ए एम बी एम, इसको जो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि ए बी की पावर एम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं ऊपर वाला। फर्स्ट कह रहा है ये 17 का स्क्वेयर × 17 की पावर 5। अब देखिए इसमें 17 17 बेस सेम है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 17, और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 17 की पावर की क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, भाग में है ये, तो पावर्स क्या होंगी, बेस सेम है दोनों में, तो पावर्स जो थी वो माइनस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 23 की पावर 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 5 2 और 7, तो ये पावर्स जो थी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 रेस टू पावर 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 की पावर 3 माइनस 9, तो जब ऐसा था कि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम और बी की पावर एन है, तो ए बी मतलब ए बी तो एक दूसरे के साथ गुणा हो जाएंगे, नहीं मतलब, और ये हो जाएगा पावर, अच्छा पावर सेम है इसमें एम एम, तो यहाँ पे बेस दोनों के मल्टीप्लाई होके पावर सिर्फ एक रह जाएगी, तो ए बी की पावर एम। तो इसमें देखिए अब क्या कहेंगे, 7 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 63 हमारे पास, और हमारे पास पावर जो सेम थी तो 63 की पावर 3 ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक चीज़ और इसमें याद करने की है, अगर कहीं पे भी हमारे ए की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 है। ए की पावर 0 मतलब कोई भी नंबर हो यहाँ पे, चाहे 1 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 जब होगी तो हमेशा आंसर 1 आएगा। चाहे वो 500 की पावर भी अगर 0 दे रखी है तो आंसर जो बनेगा 500 की पावर 0 भी वो 1 ही बनेगा। तो किसी भी चीज़ की पावर दी हो 0 है तो वो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के बेस पर। ये तो सिंपल था कि हमारे पास ये है, प्लस में दे दी हमने पावर। अब देखिए थोड़ा सा वो देखते हैं, अगर माइनस में आ जाए ये पावर, देखिए 17 2, अब देखिए इसमें बेस सेम है तो पावर्स जो थी वो ऐड होंगी, तो एक 2 जो है प्लस का है वो माइनस का था, तो ये क्या हो जाएगा 17 की पावर -3 हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये माइनस हटाने के लिए इसे 1/17 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा 5 रेस टू पावर -14। अगले में देखिए, ये माइनस हो जाएगी यहाँ पे, तो 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 17, और साइन जो होगा माइनस का रहेगा। इसमें देखिए 7 9 63 हो जाएगा, और पावर जो है -3 ही रहेगी। ठीक है, अब माइनस का था, अब अगर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गई तो भी ऐसे ही करेंगे हम। देखिए इसमें देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 + 1/3, ठीक है, इनको करके देखेंगे हम, तो 3 इनका LCM आ जाएगा, और ऊपर 2 + 1 3/3 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 1 बचेगा, तो आंसर 2 ही आ जाएगा। सेम इसमें देखिए 1/3 की पावर 5 दे रखा है, और तो देखो 1 की पावर क्या रहेगी हमारे पास, 1 की कितनी भी पावर चली जाए 1 ही रहेगा आंसर। अब ये देखिए 3 की पावर 20 हो जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए 7 की पावर दे रखी है 1/5, और देखिए अब अगर भाग में है तो पावर्स क्या थी, और बेस सेम है दोनों का, तो पावर्स माइनस हो जाती है भाग में, तो 1/5 - 1/3 हो जाएगी। इसको निकालेंगे तो ये 15 आएगा, ये 3, ये 5, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, -2/15 हो जाएगी।
ठीक है, इसमें भी यही 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/5 उसकी पावर रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बस यही लगा इसमें हम। अब उदाहरण एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए एग्जांपल में 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। अब ये देखना है यहाँ पे बेस, देखते हैं हम बेस सेम है। अगर किसी में बेस सेम ना दिया हो तो हम बेस को सेम बना देते, लेकिन इसमें बेस सेम दिया ऑलरेडी, तो सीधा 2 लिखो और पावर्स को जो है ऐड कर दो। ये आ जाएगा 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 रेस्ट पावर 1 जो होती है हमारी 2 ही रहेगा। इसमें देखिए ये भी ऐसे ही होगा, इसमें जो है माइनस हो जाएगा, इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है, वही क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज देखते हैं, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। अब 64 की पावर 1/2 बोला है इसने, तो हम इसको देखते हैं, इसको छोटा बनाने की कोशिश करें कि ये किसी चीज़ की पावर तो नहीं बन रहा है। अब 64 किसकी पावर है, हमें पता है 8 का स्केयर होता है, 8 × 8 = 64 होते हैं, तो हम इसको 8 का स्केयर लिख सकते हैं और बाहर जो वाले थे वो इसी के साथ गुना हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर सिर्फ 1 बचेगी, तो आंसर हमारा 8 ही होगा। नेक्स्ट में देखिए 32 किसकी पावर है, 2 रेज़ टू पावर 5 है, इंटू में ये 1/5 होगा, तो 5 से 5 वही 2 रेज़ टू पावर 1 बचेगा। अब अगले में है 125, तो ये किसकी पावर होता है, ये 5 की पावर 3 होता है, इंटू में 1/3 होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा और 5 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट देखिए देखिए ज्ञात कीजिए 9 की पावर दे रहा है ये 3/2। हमें पता है 9 किसका होती है, 9 को अगर देखें तो हम ये 3 का स्केयर होता है, इंटू में 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें 2 की पावर 5 होता है, इसको 2 की पावर 5 लिखेंगे, अरे 2/5 बाहर रहेगा, ये 4 आंसर आ जाएगा। इसको देखिए किसके लिखते हैं, इसे हम 4 देखिए पावर पावर से मैच करके देखते हैं हम इसको। नीचे जो पावर होगी ना बेस, जैसे 3/4 है, तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे इसे, ये जो 16 है इसे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि पावर जो है 4 में ही बन जाए। 16 किसकी पावर 4 बन सकता है, 2 की पावर 4 बन सकता है ना, ये इंटू में 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और 2 रेज़ टू पावर 3 बचेगा। अब इसको देखिए ये 5 की पावर 3 बनेगा, ये 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, ये देखो। अब देखिए यहाँ से जो है 5 की पावर सिर्फ -1 बचा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, ये माइनस हटाने के लिए 1/5 लिख सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करना है हमें, वही देखिए इसमें भी 2 बेस सेम है दोनों का, तो 2 2/3 + 1/5 हो जाएगा, उनका एलसीएम ले लेंगे, 15 आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 13/15 हो जाएगा, इसका 2 रेज़ टू पावर 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो है पावर सिंपल, जो है पावर जो थी वो मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 7 है, ये 3 रेज़ टू पावर 21 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें ये भाग में है, तो क्या करेंगे, पावर्स जो है माइनस हो जाएगी, 11 है तो 1/2 - 1/4 हो जाएगा, यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, ये 2 से जाएगा, ये जाएगा, तो 11 की पावर सिर्फ 1/4 बचेगा। अगला देखते हैं, अभी देखना इसमें जो है पावर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर्स इसके सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 8 की, तो 56, और पावर को सिर्फ एक बार ले लेंगे, 56 1/2। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बहुपद, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।